कराची में सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्ला अलैह के 1289 के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी की। कराची में सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के 1289 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का अहवाल जान लेते हैं। फयाज़ यूनुस साथ मौजूद हैं। फयाज़ बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सईद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर अब से कुछ देर सब्र वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और उनके साथ सईद गनी ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी तौर पर दुआ की। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध में बदौलत अमन अमान हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की बदौलत है और इनके मज़ार की वजह से अमन अमान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अब ज़ायरीन मज़ार पर हाजिरी देने के लिए अंदर दाखिल हो रहे हैं। 400 के करीब पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया गया है। 3 दिन तक उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन मज़ार पर हाजिरी और ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका फयाज़।